बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप टू 9। विजिट टुडे लवा नियर करबल्ला बाजार बरेड़िया सिवान। सिवान की राजनीति एक ही परिवार के वजह से काफी चर्चा में रहता है और एक बार फिर से चर्चा में है, बल्कि किसी विवाद या बयान से नहीं, एक लुक के वजह से चर्चा में है। दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब के नए लुक के लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस लुक को उनके चाहने वाले वो समर्थक ओसामा के पिता यानी शहाबुद्दीन से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं खुद को शहाबुद्दीन वादी कहने वाले समर्थक लिख रहे हैं कि छोटे सरकार ओसामा साहब, साहब का हम सकल, साहब का सकल सूरत तो मिल गया, सिर्फ साहब का ब्रू इनके अंदर आ जाए और जल्द से जल्द एक्टिव हो जाए। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो इनके समर्थक इनको एक्टिव राजनीति को लेकर बातें कर रहे हैं, जो कि हाल फिलहाल की बात की जाए तो उतना एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं दो रोज पहले सिवान के निराला नगर के भाई अजय कुमार तिवारी जी के लड़के की शादी में ओसामा साहब उपस्थित हुए थे। उसके बाद से इनको फोटो वीडियो वायरल हुई, लोग कई तरह तरह के कमेंट करने लगे। जिस तरह से बिहार की राजनीति में पिता के बाद पुत्र एक्टिव हुए हैं, अगर राजनीति मायने से देखा जाए तो जीता जागता उदाहरण है तेजस्वी यादव या चिराग पासवान। इन युवा नेताओं के पिता एक समय था कि बिहार की राजनीति में दबदबा बना के रखे थे, उसे आगे बढ़ाने के लेकर ये युवा नेता पुरजोर मेहनत कर रहे हैं बिहार में। बड़ा सवाल खड़ा ये होता है, क्या दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के राजनीति कारवा को आगे बढ़ाने में कितना कामयाब होंगे ओसामा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो ओसामा के राजनीतिक की तो पंचायत चुनाव हो या हाल ही में बीते नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव में पर्दे के पीछे रहकर भी काफ़ी मेहनत किए थे। इन्हीं के मेहनत के नतीजे था कि कई छोटे बड़े पदों पर इनके समर्थक जीतकर आगे आए हुए हैं। वहीं इनके जो चाहने वाले हैं अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में क्या विधानसभा की तैयारी में लगेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ओसामा साहब या नहीं। लेकिन मैं बता दूं, अभी 2024 के चुनाव लोकसभा की है, उसमें अब मालूम चलेगा कि क्या राजद इनके माता जी का यानी हिना साहब को टिकट देती है या निर्दलीय चुनाव लड़ती है। उसके बाद से 2025 की क्या तैयारी होगी, क्या रघुनाथपुर से विधानसभा की तैयारी करेंगे या सिवान सदर से तैयारी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, राजनीतिक खबरें पल पल के हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं अगर हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, वहीं अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।